स्टूडेंट्स वेलकम हियर। सो आज हम आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं, मीन्स नया भी नहीं है, हम क्या कहें, जस्ट एक्चुअली दिस इज ए प्रॉब्लम। आज हम एक प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। एक्चुअली जैसे बेटा आरजू एंड जस्सू, काफ़ी बच्चों के काफ़ी प्रॉब्लम्स थी इस क्वेश्चन को लेके कि हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, इसको कैसे सोल्व करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस क्वेश्चन पे एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए, सो दैट ये हो सकता है कि क्वेश्चन बाकी बच्चों की भी प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, थोड़ा सा लॉजिकफुल है कि इस वजह से हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आए। तो होप बेटा मैं इसको अच्छे से कराऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि आपको अभी ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी। देखिए बेटा क्या हो रहा है कि इसने बोला है कि आपके पास दो रजिस्टर हैं, कोई भी सपोज करते हैं कि हमारे पास दो रजिस्टर ही हैं, ठीक है। इसने क्या कहा कि एक बार तो उनको पैरेलल में कनेक्ट कर, सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, और एक बार आप उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। तो चलिए हमने इनको सीरीज पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। जो हमारे ये दो रेजिस्टेंस हैं, क्लियर, ये हमने मान लिए आर वन एंड आर टू। क्या रेजिस्टेंस माने हमने? वो आर वन आर टू, ठीक है। हमने तो जब हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया तो हमारा क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू। तो देखिए इसने दे रखा कि जब सीरीज में कनेक्ट करोगे ना तो कितना आएगा, 25, और जब पैरेलल में आप इसको कनेक्ट करोगे तो कितना दे रखा है, 4। तो 1/R1 + 1/R2 = 4। अब हमें एक्चुअली निकालना क्या, हमें आर वन और आर टू की वैल्यू निकालनी। देखिए हमें नहीं पता कि ये कितने हैं, पर जब हम इनको जोड़ रहे हैं ना तो 25 आ रहा है। वैसे तो पता चल जाता है कि 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 आ जाए, लेकिन हमें नहीं पता ना कितने को जोड़ें कि यहाँ पे 25 आए। तो हमें इन दोनों की ना वैल्यू निकालनी है अलग अलग, समझ रहे हो आप, कि आर वन क्या होगा और आर टू। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज अवर इक्वेशन टू। ठीक है बेटा, हो गया आपको भी, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है। अब इक्वेशन टू को देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन टू तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं आर वन आर टू एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा, आर टू प्लस आर वन इज इक्वल टू। अब देखिए क्योंकि हमारे पास ये पैरेलल है तो बेटा मैंने गलती से लिख दिया, दिस इज 1/4 आएगा ना, 1/R। पैरेलल का फॉर्मूला पता है ना, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, और इसका आर एस सीरीज क्या होता है, आर वन प्लस आर टू होता है, ठीक है। क्लियर? अच्छा, तो अब हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 1/4, हो गया, इतना समझ में आ गया। अब देखो ये इसकी वैल्यू आपको पता है ना, इसकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है। नाउ यूजिंग इक्वेशन वन, इक्वेशन वन का हम यहाँ यूज करेंगे, और आर वन प्लस आर टू जगह क्या रख देंगे, 25, क्या रख देंगे, 25, समझ आ गया, ओके क्लियर है, ओके। यहाँ पे क्या आ गया आपका, 25 अपॉन आर वन आर टू इज इक्वल टू 1/4, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा आर वन आर टू इज इक्वल टू 100। ये हमारी आगे इक्वेशन थ्री, तो हमारे पास तीन रिजल्ट हैं अभी तक, ठीक है, हमारे पास थ्री रिजल्ट हैं, ये क्लियर, ये आ गया। अब देखो यहां से है ना, मैं क्या करूं, या तो मैं आर वन की वैल्यू निकाल लूं आर टू की फॉर्म में, या मैं आर टू की वैल्यू निकाल लूं आर वन की फॉर्म, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां से R1 को यहाँ से सोल्व किया, तो R1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100/R2 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस वैल्यू को R1 की वैल्यू को या तो मैं यहाँ पुट कर दूँ या मैं यहाँ पुट कर दूँ, मेरी मर्जी है, इससे मुझे R1 R2 सोल्व हो जाए। क्योंकि अगर मैं मान लो यहाँ पे R1 की वैल्यू पुट करती हूँ 100/R2, तो देखो दोनों R2 में चेंज हो जाएंगे ना, फिर हमारे लिए सोल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे R1 की जगह क्या पुट कर देंगे हम, 100/R2 कर देंगे, तो सारा R2 में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 100/R2 + R2 = 25।
हो गया, ठीक है। चलो अब एलसीएम ले लेते हैं इधर, तो इधर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, आर टू तो आर टू, आर टू वन तो 100, और इसके अपॉन में तो 1 है ना, तो कितना हो जाएगा प्लस में आर टू आर टू, आर टू का स्केयर हो जाएगा, आर टू का स्केयर हो गया ना, इधर क्या आ गया 25 आ गया, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है इसके अपॉन में 1 है, अंडरस्टूड है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा आर टू का स्केयर प्लस में 100 इज इक्वल टू 25 आर टू, ये आ गया। अब देखो आपको कुछ लग रहा होगा कि ये कुछ अपनी इक्वेशन बनती आ रही है ना, देखो आर टू का स्केयर आर टू और इसको इधर ले आएंगे, इस 25 को क्या करेंगे हम इधर ले आएंगे, जैसे ही आप इसको इधर लेके आओगे ना तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए आप जब इसको इधर लिए, जब आप इसको इधर लेके आओगे तो आर टू स्केयर माइनस 25 आर टू प्लस 100, तो हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमें सोल्व करना आता है, ठीक है बेटा। तो ऐसी इक्वेशन आपको बड़े अच्छे से सोल्व करनी आती है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे भी दो, कोई भी ऐसे दो फैक्टर चाहिए, ओके बेटा। तो हमें ऐसी इक्वेशन को अच्छे से सोल्व करना आता है, तो हमें क्या चाहिए, ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई तो आए 100 और जिनको हम ऐड करें तो आए 25, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे फैक्टर दो हैं, वी नो 20 और 5, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आएगा, और इन दोनों को हम ऐड करें, अगर इन दोनों को माइनस माइनस लेते हैं तो आ जाएगा माइनस 25, तो हमें दो फैक्टर मिल गए। तो हम क्या करेंगे, इसको आर टू का स्केयर माइनस 20R माइनस 5R प्लस 100, तो अब इसको आपको सोल्व करना आता है अच्छे से, है ना। तो R हम कॉमन, R हम क्या करेंगे R2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा R2 माइनस 20, और यहाँ से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो R2 माइनस 20 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका देखिए दो फैक्टर निकल के आए, R2 माइनस 20 और R2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो R2 की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, 20 और 5, 20 और 5, या तो R2 हमारा क्या होगा 20 होगा, या हमारा R2 क्या होगा 5 होगा, और ठीक है ये आ गई हमारी R2 की वैल्यू, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, R2 की दोनों वैल्यूज को पुट दीज वैल्यूज, इक्वेशन तो दोनों से निकालनी पड़ेगी ना, इन इक्वेशन वन, ठीक है। इक्वेशन वन क्या कहती है, आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू 25, तो पहले हम आर टू की वैल्यू 20 रख देते हैं, तो आर वन प्लस 20 इज इक्वल टू 25, तो आर वन क्या आ गया 25 माइनस 20, तो आर वन आ गया आपका 5 ओम, ठीक है। अगर हम 5 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, आर वन प्लस 5 इज इक्वल टू 25, तब यहां से अपना आर वन कितना आ जाएगा 20 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा आप यहाँ पे ध्यान से, तो R2 हमारा है तो 5 हो गया 20 होगा, तो जब हमने R1 को 20 रखा, ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, जब हमने R2 को यहाँ पे देखिए, हमने R2 को क्या यूज किया है, R2 को 20 रखा, तब हमारे पास ये रिजल्ट आया, और जब हमने R2 को क्या रखा 5 रखा, तब हमारे पास ये रिजल्ट आया, वैन, ठीक है। जब हमारे पास R2 5 है तो R1 क्या आ गया हमारा 20, और जब R2 20 है तो R1 क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो ये भी रिजल्ट ओके है, ये भी रिजल्ट ओके है, तो बेसिकली हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, बट जनरली क्या होता है बेटा, जनरली जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस को हम छोटा मानते हैं, अगले वाले को हम बड़ा मानते हैं, तो हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो यू कैन से दैट जो हमारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आए, रेजिस्टेंस आर क्या आए हमारे, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन हमने अपनी मर्जी से ये कंसीडर कर लिया, आप ये भी, तो आप क्या कह सकते हो, जो दोनों की वैल्यू आई है वो क्या आई है 5 ओम एंड 20 ओम, वैल्यू तो दो ही आई है, चाहे इसको ऐसे लिख दो या आप इसको ऐसे लिख दो, 20 ओम एंड 5 ओम, बात तो एक ही है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ,
यस स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमारी प्रॉब्लम थी काफ़ी बच्चों की, तो मैंने इसको सोल्व कर रहा है, आपको समझ आया होगा आई होप। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया है। ओके सी स्टूडेंट्स, ओके होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये प्रॉब्लम अब क्लियर हुई है या नहीं हुई है। ओके थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आप ऐसे प्रॉब्लम्स पूछते रहे बच्चे, जितना आप प्रॉब्लम्स पूछते हैं उतना ही हमें अच्छा लगता है। आप प्रॉब्लम पूछ रहे हैं इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।